Hello students, I am Professor Neeta. Welcome in our free education channel English Master. Dear students and parents, this is the class 1 text English textbook series unit number 1. हमने already 5 lesson पढ़ा के upload कर दिए हैं. आप हमारे channel पर जाके playlist में class 1 English textbook series पे check कर सकते हो. सारे lectures पढ़ा के already upload कर दिए हैं. This is the lesson number 6. Frame words. Frame का मतलब है बनाना. Words यानी शब्द. की 3 letter words इनको कैसे बनाने हैं? ये हम आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे. वी आर गोइंग टू लर्न दिस विद फुल एक्सप्लेनेशन विद मी प्रोफेसर नीता फुलचंद गायकवाड़ इन हिंदी. ओके, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जो पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स का सपोर्ट मिल रहा है हमारे चैनल को, सो कीप सपोर्टिंग. थैंक्स अ लॉट फॉर योर लव एंड सपोर्ट. चलिए शुरुआत कर देते हैं. नंबर 1, लुक एंड लर्न. ठीक है, लुक का मतलब है देखो, एंड का मतलब है और, लर्न का मतलब है सीखो. देखो और सीखो, आपको बच्चों को ये 3 लेटर वर्ड्स सिखाने हैं. ओके, नंबर ए, ये है आपका ए नंबर का चार्ट जो टेक्स्ट बुक में है. बी ए एन. ओके, यहाँ पे आपको अल्फाबेट्स दिए हैं. बी सी एफ ए, सॉरी एम पी वी. हमें इसके आगे ए और एन ये ऐड करके वर्ड बनाने हैं, 3 लेटर वर्ड्स. बी ए एन, बैन. बैन का मतलब क्या होता है? रोक लगाना. सी फॉर सी, सी ए एन. कैन का मतलब होता है कर सकना. एफ एफ ए एन, फैन का मतलब होता है पंखा. एम फॉर द लेटर एम, द वर्ड इज एम ए एन. मैन का मतलब होता है आदमी. पी फॉर पी, पी ए एन, पैन. पैन का मतलब होता है जो आपकी मम्मी किचन में रोटी बनाती है, जो रोटी सेकती है, तो वो होता है पैन. वी फॉर द लेटर वी, द वर्ड इज वी ए एन, वैन. वैन का मतलब होता है गाड़ी. चलिए चार्ट नंबर बी. डी के आगे लगाना है हमें ई एन. हर एक लेटर के आगे हमें ये 2 लेटर्स ऐड करने हैं. डी ई एन फॉर द लेटर डी, डी ई एन, डेन यानी केव यानी गुफा. ओके, डेन का मतलब होता है केव यानी गुफा. एच फॉर द लेटर एच, एच ई एन, हेन यानी मुर्गी. एम ई एन, मेन यानी आदमी. पी ई एन, पेन का मतलब क्या है? जो आप पेन इस्तेमाल करते हो टेक्स्ट बुक में लिखने के लिए, उसे कहते हैं पेन. टी, टी एन, टेन यानी 10, नंबर 10. ओके, चलिए देख लेते हैं चार्ट नंबर सी. अभी यहाँ पे देखिए, फॉर द लेटर पी हमें यहाँ पे ऐड करना है आई और एन. पी फॉर द लेटर पी, पी आई एन, पिन. पिन का मतलब क्या होता है? आप सबको पता है पिन का मतलब क्या होता है बच्चों? पिन यानी पिन, कील. टी, टी आई एन, टी, टी आई एन, टीन यानी जो स्टील का डब्बा रहता है उसको कहते हैं टिन. बी आई एन. ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज बी आई एन. बिन का मतलब क्या होता है? बिन का मतलब होता है कि उसको हम कहेंगे कि डोल. ओके, एफ, एफ आई एन, अभी लेट आगे का वर्ड है आपका एफ आई एन. फीन यानी पंख. ओके, या फिर पर आप इसको बोल सकते हो. डब्लू, डब्लू आई एन, विन यानी जीतना. आई होप कि आप सबको ये समझ में आ रहा है. अगर समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. यहाँ पे देखिएगा चार्ट नंबर डी. बी ओ डब्ल्यू, बो. ओके, बी ओ डब्ल्यू, बो का मतलब होता है धनुष. सी ओ डब्ल्यू, काउ. काउ का मतलब होता है गाय. एच, एच ओ डब्ल्यू, हाउ. हाउ यानी कैसे या फिर कितने. एन, एन से आ गया वर्ड आपका एन ओ डब्ल्यू, नाउ. नाउ यानी अब. डब्ल्यू से लेटर, डब्ल्यू लेटर से आपको वर्ड बनता है डब्ल्यू ओ डब्ल्यू, वाव. वाव यानी कितना अच्छा. अभी देखते हैं चार्ट नंबर ई. यहाँ पे आपको ऐड करना है यू एंड एन. एफ यू एन, फन यानी मजा. आर लेटर से होता है आर यू एन, रन यानी भागना. एस से होता है एस यू एन, सन यानी सूरज.
और आगे का अभी हमारा ये जो लेटर है, लेटर बी, बी से जो बनता है बीयूएन, बन यानी पाव, जो आप खाते हो बेकरी में जो तैयार होता है उसको हम कहते हैं बन। आई होप कि आप सबको समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखिए नंबर टू, लुक यानी देखो, लिसन यानी सुनो, एंड सर्कल द ऑड मैन आउट, ऑड मैन आउट यानी जो ये चार आपको नंबर वन में बैट, बेड, बोट और हट ये वर्ड्स दिए हैं, जो वर्ड्स इनसे अलग हैं, तीन वर्ड्स एक जैसे रहेंगे, एक घर में रहते हैं, और जो चौथा रहेगा वो अलग घर का होगा, उसको हमें सर्कल करके बाहर निकालना है। चलिए अभी हम उसको सर्कल करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आ गया, बी, बी ए टी, बैट। ओके, बैट यानी आपको पता है आप बैट बॉल खेलते हो। यहाँ पे आ गया बी, बी ई ए डी, बेड यानी जिसपे आप सोते हो। बी ओ ए टी, बोट यानी जो पानी में चलती है। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ गया एच, एच यू टी, हट यानी झोपड़ी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बी है, यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे भी बी है, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, एच आ गया, इसलिए हो गया आपका ऑड मैन आउट वर्ड। ओके, इसको हम सर्कल करेंगे। हट ये आपका अलग वर्ड रहेगा क्योंकि इसकी शुरुआत एच से हो गई है। यहाँ पे देखिए अभी नंबर टू में एस यू एन, सन यानी सूरज। एल ओ सी के, लॉक यानी जो हम घर को ताला लगाते हैं उसको लॉक कहते हैं। एस ए सी के, सैक यानी जिसमें आप सामान भरते हो। एस ओ ए पी, सोप यानी साबन। ओके, अभी देखिए यहाँ पे एस आ गया, यहाँ पे भी एस आ गया, यहाँ पे भी एस आ गया, अभी यहाँ पे डिफरेंट क्या आ गया, एल, तो हम इसको सर्कल कर देंगे। एल इज द ऑड मैन आउट वर्ड। अभी नंबर थ्री, सी ओ सी के, कॉक, कॉक यानी मुर्गा। सी ए टी, कैट, कैट यानी बिल्ली। डी ओ जी, डॉग, डॉग यानी कुत्ता। सी एल ए पी, क्लैप यानी तालियां बजाना। अभी देखिए यहाँ पे सी आ गया, यहाँ पे भी सी आ गया, यहाँ पे भी सी आ गया, तो अलग वर्ड कौन सा हो गया, डी, डी ओ जी, डॉग, इसको हम सर्कल करेंगे। अभी नंबर फोर, एल ए डबल डी ई आर, लैडर यानी कि जो आप ऊपर चढ़ते हो, चढ़ने के लिए जो सीढ़ी इस्तेमाल की जाती है उसको लैडर कहते हो। ठीक है, एल ई ए एफ, लीफ यानी पत्ता। R O S E, रोज यानी गुलाब का फूल। L E M O N, L E M O N, लेमन यानी नींबू, नींबू। ओके, यहाँ पे L आ गया, यहाँ पे भी L आ गया और यहाँ पे भी L, सो डिफरेंट वर्ड क्या हो गया, R O S E, रोज, दिस इज द ऑड मैन आउट। नंबर फाइव, K E Y, की यानी चाबी। P O T, पॉट यानी बर्तन। P E N, पेन यानी जो आप लिखते हो वो पेन। और पी यू आर एस ई, पर्स यानी जो आपकी मम्मी के पास बैग होता है बाहर जाने के लिए उसको कहते हैं पर्स। देखिए यहाँ पे पी आ गया, यहाँ पे पी आ गया और यहाँ पे भी पी, अभी यहाँ पे क्या आ गया, के, सो दिस इज द ऑड मैन आउट वर्ड। टी ओ पी, टॉप, अभी नंबर छ, टी ओ पी, टॉप। ओके, टॉप यानी ऊपर। टी ओ वाई, टॉय यानी खिलौना। ए एक्स ई एक्स यानी कुल्हाड़ी। T R E, ट्री यानी पेड़। देखिए यहाँ पे T आ गया, यहाँ पे T आ गया, यहाँ पे भी T, लेकिन X का जो शुरुआत होता है वर्ड का वहां पे A आ गया, सो दिस इज द ऑड मैन आउट वर्ड। हमने अभी चारों के करेक्ट आंसर्स ढूंढ लिए हैं और आपको ये ऐसे ही नोटबुक में नोट करना है और आंसर्स जो निकलते हैं उनको आपको ऐसे राउंड करना है, सर्कल बनवाना है। सो आई होप कि आपको ये आंसर समझ में आ गए हैं, एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया है। सो आज हमने पढ़ा आपके क्लास वन का इंग्लिश टेक्स्ट बुक सीरीज का यूनिट नंबर वन का लेसन नंबर सिक्स, फ्रेम वर्ड्स, शब्द बनाओ। सो आपको यह लेक्चर कैसा लगा बच्चों, मुझे जरूर बताएगा। पेरेंट्स, आई होप कि आप अपने बच्चों को घर पे पढ़ाने के लिए आपको ये हेल्प कर रहे हैं। कमेंट्स थ्रू जो मुझे प्यार आप सबका मिलता है कि यस हमारे बच्चों को समझ में आ रहा है, हम भी उनको पढ़ा रहे हैं, सो इट मीन्स अ लॉट टू मी। दिस इज द फ्री एजुकेशन चैनल हब। आपको यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी डोनेशन नहीं देना है, फीस वगैरह कुछ नहीं देना है। इंग्लिश मास्टर ये एक फ्री एजुकेशन चैनल है, सिर्फ आपको यूट्यूब के चैनल पे आके लेक्चर्स देखने हैं और आपके बच्चों को पढ़ाना है और बच्चों आपको भी पढ़ना है। सो आई हैव स्टार्टेड दिस चैनल इन लॉकडाउन टाइम पीरियड, के बच्चों को हेल्प हो जाएगी उनकी स्कूल की पढ़ाई कवर अप कर
करने के लिए. दिस इज द वेरी क्लियर मोटिव बिहाइंड इट. सो पढ़ाई करते रहिएगा, बच्चों को भी पढ़ाइएगा, एंड ईच एंड एवरी वन कीप सपोर्टिंग आवर चैनल. एंड खुद की केयर कीजिएगा, अपने घर वालों की केयर कीजिएगा. फॉलो ऑल द रूल्स एंड गाइडलाइंस इशूड बाय WHO एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. एंड जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.